म्यूजिक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सुर को कैसे समझें, सुर की समझ कब होगी, क्योंकि जैसे ही लोग रियाज करना शुरू करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं चलता है कि मेरी आवाज़ मिल रही है या नहीं, या कब समझेंगे कि हाँ अब अच्छा रियाज हो रहा है, अब सुर में रियाज हो रहा है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आपको बस एक ही चीज़ सोचना है सबसे पहले, कि अगर आप सा गा रहे हैं तो सबसे पहले सा को बजाते रहें, कंटिन्यू सुने, फिर अच्छे से सांस लें, फिर गाएं सा। और सा गाते समय ये सोचना है, ये समझना है कि आपकी आवाज़ और हारमोनियम की जो आवाज़ आ रही है वो दोनों एक आ रही है कि नहीं। अब ये कैसे समझेंगे, जब आप गाइएगा और हारमोनियम बजा के गाइएगा तो देखिएगा, बहुत गौर से सुनिए, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ हिल रही है हारमोनियम की आवाज़ से। ये बहुत बार, कई महीनों तक ये आपको लगता रहेगा कि आपकी आवाज़ हिल रही है। इसका मतलब सुर की समझ जो है आने लगी है। ये दो तीन दिन प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आने लगेगा कि सा गा रहे हैं तो सुर मेरा हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो क्या करना है, उसको एकदम फिर से सांस लेना है, फिर से गाना है, सीधा गाने की कोशिश करना है, मुंह खोल के हमेशा अपने फुल वॉल्यूम में जो है वैसे गाना है, अच्छे से सांस लेके। इसको लोग बोलते हैं कि पेट से थोड़ा जोर लगा रहे हैं, हाँ लगाना ही पड़ता है, सांस लीजिए फिर अच्छे से गाइए। और इसी तरीके से हर सुर पे, रे पे भी, गा पे भी, जब भी होल्डिंग नोट्स या एक सांस में एक सुर को अगर आप साध रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा सुर हिल तो नहीं रहा है। जैसे आगे बढ़ते हैं, कभी कभी लगेगा हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, फिर लगेगा शांत हो रहा है, अब ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। ऐसे आपको हमेशा लगेगा कई महीनों तक, फिर बाद में जाके अभी भी मेरा हिलता है, लेकिन उसे एकदम ठीक करने की कोशिश करना है। फिर गा गाएंगे, गा पहली बार गाए ऐसा लगेगा बहुत हिल रहा है, फिर सांस लीजिए, ठीक होगा, और एक बार गाइए तो जाके परफेक्ट होगा, फिर माँ पे जाइए। इसको बोलते हैं होल्डिंग नोट्स, लेसन नंबर 2। डिस्क्रिप्शन में हर बेसिक लेसन से, लेसन नंबर 2 मतलब हर नोट्स को सांस से ऊपर सांस तक एक एक सांस में पूरा गाना है, तब तक गाना है जब तक वो ठीक ना हो जाए। गा को 2-3 बार गाएं, फिर माँ को गाएंगे, पा को गाएंगे, जिस सुर में प्रॉब्लम हो रही है बार बार गाएंगे और ये सोचेंगे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तब जाके सुर की समझ आने लगेगी। ये सोच अपने अंदर लाना जरूरी है, और हारमोनियम भी जरूरी है, क्योंकि बिना हारमोनियम के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ठीक मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए हारमोनियम जरूरी होता है। अगर ऐसा आप होल्डिंग नोट्स करेंगे तो आपके गले में फिर गायकी वाली सोच आने लगेगी। अगर मान लीजिए कोई चीज गाना है, गामा, किसी गाने में अगर यूज हुआ है ऐसा, तो कैसे समझेंगे इसको, कैसे गाए हैं हम अभी, सुनिए। गाम गामा पा गामा गा पा, ये गाए। अगर बोले इसको थोड़ा आलाप से गाइए तो कैसे होगा, आ जहां बज रहा है वहां, आ गा मा पा गा मा धा पा आ।
एकदम इसी को बोलते हैं गाय की गोल हो के जाएगा आवाज एकदम फ्लुएंसी एकदम मतलब वेव की तरह एक जाएगा आवाज कहीं अटकेगा नहीं इसी को बोलते हैं गाय की। ये खूब लेसन्स का प्रैक्टिस करने से करते 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 तब गला ऐसा आता है तो समझ में आता है कि हाँ जो बज रहा है वो सुर में आ रहा है। जैसे गा मा नी धा गा मा पा सा नी धा पा जो जहाँ सुर है वही गा रहे हैं। ये सोच आनी जरूरी है ये रियाज करने से आएगा। एकदम पहले धीरे धीरे किए फिर तेज ये तुरंत नहीं आएगा ये लेसन्स करते करते आएगा लेकिन जरूर होगा अगर आप रियाज कीजिएगा तो होगा ही होगा। समझदारी के साथ रियाज करना है दिखावा के पीछे नहीं भागना है नहीं तो गला नहीं बनेगा। साधु बनना है एकदम बैठना है साधना करना है सोचना है गाना है तब जाके सुर की समझ अपने आप होने लगती है। तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेसन्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।